भगवद गीता का अध्याय 11 श्लोक 32 कालो अस्मि लोक क्षय कृत प्रविद्धो। इस श्लोक का अर्थ मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर किस बड़े देश के पास कितने न्यूक्लियर वॉरहेड, क्योंकि इसके लिए एक नई रिपोर्ट निकली है जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत पाकिस्तान से। भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, हालांकि चीन के पास इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास 172 और पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जबकि चीन के पास 500 न्यूक्लियर वॉरहेड होने की बात कही गई है। सिप्री ने ईयरबुक 2024 में कहा है कि परमाणु हथियार संपन्न 9 देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल लगातार अपने परमाणु हथियार भंडारों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। कुछ देशों ने तो नए परमाणु हथियार तैनात किए हैं या फिर उन्होंने पिछले साल परमाणु हथियार ले जाने वाले नए सिस्टम लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 2024 में पूरी दुनिया में 12,221 परमाणु वॉरहेड थे। इनमें से 9,585 संभावित इस्तेमाल के लिए हथियार भंडार में रखे गए हैं। रिपोर्ट के आंकड़ों से ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु हथियारों को लेकर होड़ चल रही है और इसमें कोई चौंकाने वाली बात है भी नहीं। लेकिन ये बात हुई भारत पाकिस्तान की। लेकिन सिप्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2023 में चीन के पास 410 न्यूक्लियर वॉरहेड का जखीरा था, लेकिन एक साल यानी जनवरी 2024 तक आते आते इनकी संख्या 500 हो गई है। इनमें और इजाफा होने की संभावना है। भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया लगातार अपनी मिसाइलों को न्यूक्लियर वॉरहेड से लेस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये काम रूस, फ्रांस, अमेरिका पहले से करते रहे हैं और हाल में चीन भी ऐसा कर चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस और अमेरिका के पास दुनिया के कुल परमाणु हथियारों का 90% स्टॉक है। जी हाँ, 90%। 2023 में दोनों के परमाणु हथियार भंडार में भले कोई बढ़ोतरी नहीं हुई हो, लेकिन जनवरी 2023 में रूस ने 36 वॉरहेड तैनात किए होंगे और धीरे धीरे रूस और अमेरिका दोनों ने 1200 परमाणु हथियारों को अपने भंडार से हटा दिया है। इन्हें धीरे धीरे नष्ट भी किया जा रहा है। सिप्री की इस वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइल ने सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया है कि उसके पास परमाणु हथियार है, लेकिन माना जा रहा है कि वह अपने परमाणु हथियार भंडार को आधुनिकीकरण कर रहा है। ऐसा लगता है कि वो डिमोना में अपने प्लूटोनियम प्रोडक्शन रिएक्टर साइट को अपग्रेड कर रहा है। परमाणु हथियारों की बढ़ती तादाद वैसे चिंता का विषय है, क्योंकि जितनी इसकी संख्या बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास हथियार होंगे पृथ्वी में हाहाकार मचाने के लिए। आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब जे रॉबर्ट ओपनहाइमर भगवद गीता में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे, यहाँ तक कि उन्होंने ट्रांसलेटेड इंग्लिश में ट्रांसलेटेड भगवद गीता पढ़ने के बजाय संस्कृत सीखकर खुद से भगवद गीता को ट्रांसलेट किया, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने जब ट्रिनिटी टेस्ट में पहली बार बम का टेस्ट देखा था, बम को फटते हुए देखा था, तो उनके मन में भगवद गीता का एक श्लोक आया, जैसे कि भगवान खुद उन्हें चेतावनी देने आए हैं। आई हैव बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। ये श्लोक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। असल में वह श्लोक है कालो अस्ति लोक क्षय कृत प्रविद्धो। इसका सीधा अर्थ है मैं मृत्यु हूँ, संसार का नाश करने वाला। और इसी श्लोक की ताकत उस समय कोई नहीं समझ पा रहा था शायद, लेकिन आज ये विनाशकारी हथियार ये श्लोक को सार्थक करने की क्षमता रखता है। इसलिए सबको ये समझना जरूरी है कि किसके पास कितने ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। ये कोई एक कंपटीशन नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड कोई खिलौना नहीं है। तो इसको लेकर हमें थोड़ा सा और सीरियस होके अगर कभी बातचीत हो तो बातचीत करनी चाहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबर विभाग को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।